brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. विकास को वोट दे रहे हैं और ये चुनाव राजपाट का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राष्ट्र बचाने का चुनाव है। राहुल गांधी का कोई फर्क नहीं है, राहुल गांधी क्या है, जैसे एक्सपायरी डेट की दवाई होती ना, ऐसे है, कोई इसका असर नहीं है। वो तो बनाएंगे तब ना आपस में लड़ाई हो रही होगी, कोई एक दूसरे से मिल नहीं, मिल बैठ के भी बात नहीं कर सकती। महेंद्रगढ़ भिवारी लोकसभा को लेकर आज महेंद्रगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस लोकसभा के कुछ लोग आए हुए हैं, क्या इनका मुद्दा रहा है, किस मुद्दे पर ये वोट देंगे, क्यों इस रैली में आए हैं, इन सब बातों पर जानने के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है सबसे पहले तो आपका? मेरा नाम योगेश शास्त्री है जी। मैं एक शिक्षाविद हूँ, गांव का सरपंच भी हूँ जी। हम विकास के मुद्दे पे बोलते हैं आप सबसे पहले तो? हमारा सतनाली खंड में गाँव डिग्रोथा है जी। जी तो क्या किस मुद्दे को लेकर आप? हम विकास के मुद्दे पे दे रहे हैं, हमारे यहाँ नहरों के पानी की बड़ी सुंदर व्यवस्था है, हमारे सभी जोड़ पानी के भरे हैं, बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां मिलती हैं, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, कनेक्टिविटी के नाम पे रोडों की, रेलवे स्टेशन की, जहां आतंकवाद और भ्रष्टाचार की बात है वो बिल्कुल जड़ से समाप्त है। ये लोग को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिस सड़क पे आप खड़े हैं, इस सड़क को मौत का सड़क, खूनी सड़क के नाम से जाना जाता था। भिवानी दादरी रोड तक रोडवेज की बसों ने अपनी बसें बंद कर दी थी, आज कनेक्टिविटी की देखते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 7 हाईवेज निकले हैं, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मनेठिका एम्स बन रहा है। तो हम विकास को वोट दे रहे हैं और ये चुनाव राजपाट का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राष्ट्र बचाने का चुनाव है। आज हम सौभाग्यशाली हैं, इस दुनिया का, इस विश्व का और वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली नेता आज हमारे यहाँ बाबा जयराम दास की धरती पे आ रहा है, तो हम बड़े गदगद हैं। वो हमारे मार्गदर्शन के लिए, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा है। तो निश्चित तौर पे हरियाणा की 10 सीटें बीजेपी की होंगी और भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट 5 लाख से ज्यादा की अंतर से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से हर चुनाव के अंदर कास्टिज्म का जो फैक्टर चलता है, कितना वो रहेगा इस चुनाव में? धर्म जाति समुदाय कोई बात नहीं है, हमारे अंदर जनता को विकास चाहिए, खर्ची पर्ची बंद हो गई और हर गरीब आदमी को इलाज मिलने लग गया, देश को आगे बढ़ाना, देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना और देश को सुपर पावर बनाना। विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री को पहले, आज से 10 साल पहले कोई नफरत की नजरों से देखते थे बड़े बड़े पश्चिम देश, आज उन देशों के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बराक ओबामा, अमेरिका का राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ के और हमारे प्रधानमंत्री के साइन लेता है, युगांडा का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैरों में झुकता है। शक्ति है, संयम है, सबको साथ लेने की, पूरे विश्व को एक परिवार समझते हैं। मोदी को हमारे देश की चिंता नहीं बल्कि विश्व के गरीबों की भी चिंता है, हमारी बहन बेटी सुखी है, हमारी इज्जत सुरक्षित है और हमें क्या चाहिए। ठीक है, अच्छा, विदेशों में भी डंका बजने की बात कह रहे हैं जी। जिस तरह से यहाँ कांग्रेस के भी राहुल गांधी आए हैं, प्रचार प्रसार किया है, कितना फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी का कोई फर्क नहीं है, राहुल गांधी क्या है, जैसे एक्सपायरी डेट की दवाई होती ना, ऐसे है, कोई इसका असर नहीं है। और हम पे वेदों में मंत्र आता है, कोई विदेशी राजा, कोई भ्रष्टाचारी हम पे राज ना करे, हम पे कौन करे, स्वदेशी राजा और बहुत बड़े ईमानदार और चरित्रवान राष्ट्रपति राज करे। और ये सत्य साबित हो रहा है, पहले एक नारा चलता था, अटल अडवाणी कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान, ये कहावतें सत्य होती हैं, जब सत्य होने जा रही है। और कांग्रेस मुक्त भारत बनने का हमारे रहता है, कांग्रेस मुसलमानों की पॉजिटिव पार्टी रही है और हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है और मोदी ने सबको साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया, बहुत विकास किया है। हमारे गाँव में छोटे से में 13 बच्चे नौकरी लगे हैं इस बीजेपी। मेरा गाँव अनावास है, खंडकंडा जिला महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और 27 बच्चे, वो गरीब बच्चे लगे हैं जिनका कोई आगे पीछे कोई नहीं था। हमारे यहाँ बीजेपी सरकार रही, हरियाणा में 2 बार ना सेंटर में रही और हमारे यहाँ पे निष्पक्ष बच्चे लगे हैं, जो वास्तव में शिक्षा भी थे ना और जो सही थे। पहले बड़ी अयोग्य बच्चे रह जाते थे और पर्ची खर्ची वाले लगते थे कांग्रेस के टाइम में, मनमोहन सिंह को बिना अयोग्यता के लगा दिया जाता था। अब हम बड़े खुश हैं और बड़े अच्छे हैं बीजेपी के राज से। लगता है कि आपको जिस तरह से चुनाव का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हरियाणा में परिवर्तन होने वाला है और हम लोकसभा के बाद विधानसभा के भी चुनाव हम जीतेंगे और हरियाणा में सरकार बनाएंगे, इस तरह का वो दावा करते हैं, तो क्या लगता है कि इस लोकसभा के चुनाव प्रसार को किस तरह से किया जा रहा है और क्या? देखो, वो
वो तो बनाएंगे तब ना आपस में लड़ाई हो रही उनकी, कोई एक दूसरे से मिल नहीं, अब मिल बैठ के भी बात नहीं कर सकती है। क्या बनाएंगे वो, कुछ नहीं है उनके पास, सीटें चाहिए वो ही नहीं आएंगे उनकी, कुछ नहीं है उनके पास, बस बातें बातें हैं, कुछ नहीं है। जी क्या लगता है कि जिस तरह से आप आ रहे हैं, कमल का फूल लगा रखा है, भगवा पहन रखा है, ऊपर से नीचे तक भगवाधारी हो रहे, क्या माहौल बनाया हुआ है क्या? देखो सबसे पहले तो आज तक हरियाणा का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने जो है ना अपडेट ले रहे हो लोगों की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये कहते हैं कि ये इलेक्शन जो है ना राजनीति का इलेक्शन नहीं रहा है, ये धर्म का और देश को बचाने का, धर्म को बचाने का, सनातन को बचाने का जो है ना वो इलेक्शन जो है ना है। तो इसमें मोदी जी ने देश को बचाया है, धर्म को बचाया है, धर्म की रक्षा करी है, इसलिए जो है ना मोदी को देना वोट देना चाहिए और मोदी को जो है ना फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। मोदी के नाम पर विकास की बातें कह रहे हैं और देश में लगातार विकास का जोर की बात कह रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 25 तारीख को किसके पक्ष में मतदान होगा और 4 जून को जब डब्बा खुलेगा तो किसकी सरकार बनेगी। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।